फ्रेंड्स, वेलकम टू द लैटिन एकेडमी। आज का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर, दैट इज G20। इस वीडियो में हम समझेंगे कि G20 का इतिहास क्या है, G20 एग्जैक्टली एक फोरम कैसे आज के डेट में इतना ज़्यादा रेलेवेंट है, और तीसरा, इस साल जो G20 के एनुअल समिट हुई है उसके आउटकम क्या निकल करके आए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं G20। लेकिन G20 को समझने के लिए आपको समझना होगा G7, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। G7 की स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1975 में। इसकी स्टैब्लिशमेंट के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी क्या है, 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, और उस ऑयल की सप्लाई की कमी की वजह से डेवलप कंट्री की जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी थी वो हिल सी गई थी, अनस्टेबल हो गई थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट यही कंट्री थे, और उस समय सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड भी यही कंट्री थे जिनको ऑयल की रिक्वायरमेंट थी। इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए जो उस टाइम की 5 डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक फोरम बनाते हैं जिससे आने वाले इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जा सके, और यहीं पर जन्म होता है 1975 के टाइम पे G5 का। और ये G5 में कौन कौन से 5 कंट्री होते हैं, USA, फ्रांस, जापान, इटली एंड जर्मनी, और 1976 आते आते कनाडा इन्हें ज्वाइन करती है, एंड 1977 में यूरोपियन यूनियन, और ये टोटल कॉम्बाइंड करके बन जाती है G7, करेक्ट। अब G7 से इस साल करंट अफेयर पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। G7 की इस बार एनुअल मीटिंग हुई थी, और ये जो मीटिंग होती थी पहले, ये मीटिंग होती थी फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स मीटिंग। और G7 की जो एनुअल समिट हुई वो इस बार हुई कहाँ पे, जर्मनी में, और ये कौन सी समिट थी, ये 48th एनुअल समिट थी। और यहाँ की जो आउटकम निकली उसका नाम था 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। और एक चीज़ यहाँ पे निकल के आया जो G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम क्या फॉर्म करेंगे, क्लाइमेट क्लब। तो ये दो चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकती है करंट अफेयर सेक्शन में G7 को लेकर के। अगर आप G7 समझ गए हैं तो अब हम बात करते हैं G20 की। G7 में हम जब रशिया को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है G8 कंट्री, और अगर हम G20 की बात करें तो G20 बन जाती है G8 प्लस 11 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। और आज की जो G8 है उसमें यूरोपियन यूनियन की जगह ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन बाहर हो चुका है। मतलब G20 किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम है कंपोज्ड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब इस फोरम को बनाने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। ये फोरम G20 की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि G20 कब फॉर्म हुआ, तो G20 अपनी एग्जिस्टेंस में आया 1999 को। क्यों आया? क्योंकि 1997 और 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G7 कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग होती थी, उन लोगों ने बर्लिन जर्मनी में 1990 के टाइम पे जब उस G7 की मीटिंग हुई, उस समय ये डिसाइड किया गया कि आज के डेट में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज भी है, तो हमें किसी भी तरीके की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए डेवलपिंग कंट्री को भी साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो उसका भी इम्पैक्ट डेवलप कंट्रीज में दिखता है, और डेवलप कंट्री में भी अगर किसी भी तरीके की रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस होगी तो उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री में दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पूरी दुनिया एक ग्लोबल नेचर ग्लोबलाइजेशन से गुजर रहे हैं और ग्लोबल नेचर का बन चुके हैं। इसलिए 1999 में ये डिसाइड किया गया इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कि हमें G20 को फॉर्मेशन करना है। किसने डिसाइड किया था? G7 कंट्री के मेंबर लोगों ने, और यहीं से जन्म होता है G20 का। क्लियर है? ओके। अब ये जो G20 की मीटिंग होती थी, ये डिसाइड किया गया कि हर साल G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स
एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स 20 कंट्रीज़ के जो भी हैं वो हर साल मिलेंगे। लेकिन ये 2008 में जा कर के एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबल रिसेशन देखने को मिलता है, दैट मीन्स अगेन एक फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस क्राइसिस के बाद ये डिसाइड किया जाता है वाशिंगटन में कि हर साल हम एक एनुअल समिट करेंगे ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। फाइनेंस मिनिस्टर की तो मीटिंग होती है, बट हेड ऑफ द स्टेट्स की भी मीटिंग कंक्लूड करी जाएगी एनुअली। और तब से 2009 से लेकर के हर साल एनुअल समिट G20 की कंक्लूड करी जाती है, करेक्ट। और इस साल की अगर हम बात करें 2022 की, तो वो एनुअल समिट हो रही है जिसमें हमारे देश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, करेक्ट। और ये 2022 का जो G20 समिट हो रही है वो हो रही है इंडोनेशिया के बाली शहर में, क्योंकि 2022 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है, करेक्ट। चलिए, और ये जो सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो 1999 से 2008 तक चल रही थी, ये भी पैरेलली चलेगी और साल में दो बार इसकी मीटिंग होगी। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे और इसे हेड ऑफ द स्टेट कंक्लूड करेंगे एनुअली, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली है क्या और ये फंक्शन कैसे करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट को कहा जाता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरी पार्ट को कहा जाता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं हर कंट्री के अपॉइंटेड शेरपाज, ठीक है। अब G20 अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट फोरम क्यों है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये फोरम 80% ऑफ द ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करती है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है और 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक GDP की बात करूं या इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से बात करूं, तो ये पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोरम है और आज के डेट में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फोरम बन जाता है बिकॉज ऑफ 3 रीज़न। COVID-19 के बाद जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली, रशिया यूक्रेन का वॉर, और तीसरा आज के डेट में जो ग्लोबल स्लोडाउन है और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल क्राइसिस एकदम मुंह पे खड़ी है, तो G20 के लीडर्स को मिल करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने के सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। इस साल ये G20 इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, बिकॉज 2023 में जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास आएगी, इंडिया के पास से। तो इंडिया प्रेसिडेंसी कब से लेगा, इसकी टाइमलाइन है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023। और जो एनुअल समिट होगी वो समिट कहाँ पे होगी, न्यू दिल्ली में, और ये कब होगी, 9th and 10th September 2023 को कंक्लूड करी जाएगी। इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के सेक्शन से कि करंट अफेयर के सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं इस बार एग्ज़ाम में। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, 2022 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, करेक्ट। और कितना टाइम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये डेट भी याद रखना है, मीटिंग कंक्लूड कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में, करेक्ट। अब ट्रॉयका एक टर्म है, G20 इज सपोर्टेड बाय ट्रॉयका। क्यों ट्रॉयका, क्योंकि G20 की अपनी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जिस कंट्री की प्रेसिडेंसी होती है उन्हें ही अपना सेक्रेटेरिएट एक साल के लिए सेटअप करना पड़ता है। जैसे दिसंबर के बाद इंडिया ने भी दिल्ली के अंदर एक सेक्रेटेरिएट को यहाँ पे टेम्पररी सेक्रेटेरिएट को लगाया है जब तक इंडिया के पास वो प्रेसिडेंसी रहेगी, और February 2024 में उस सेक्रेटेरिएट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसलिए G20 को सपोर्ट करती है ट्रॉयका। अब ट्रॉयका का मतलब क्या होता है, लाइक अगर मैं 2022 की बात करूं, जब इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो उस समय ट्रॉयका वो 3 कंट्रीज़ होती है जो इससे पहले प्रेसिडेंसी जिसके पास थी और इसके बाद जिसके पास होगी, तो ये तीनों कंट्री मिल करके सपोर्ट करते हैं उस कंट्री को जो कंट्री में ये प्रेसिडेंसी होनी है, के पास होती है, और जिस कंट्री में
पर्टिकुलर एनुअल समिट कंक्लूड किया जाता है, या एक साल में जितने भी G20 से रिलेटेड मीटिंग होते हैं वो उसी कंट्री के अंदर होंगे। तो इसे सपोर्ट कौन करती है? ट्रॉयका। तो अगर 2022 की बात करें तो ट्रॉयका में थी इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, क्योंकि इंडिया को बनेगी, इंडोनेशिया है और इटली पिछले साल थी। और जब इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी लेगा तो उस टाइम पे ट्रॉयका हो जाएगी इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, करेक्ट। तो आप देख लीजिएगा कि एग्जाम में आपसे कौन सा ट्रॉयका पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम शेरपा ट्रैक की बात करते हैं तो शेरपा ट्रैक के लिए हर साल ऑफिशियली शेरपा नॉमिनेट किया जाता है। तो इस साल 2023 के जब इंडिया की प्रेसिडेंसी होगी 1 दिसंबर से, तो शेरपा किसको डिक्लेयर किया गया है? अमिताभ कांत, आपको पता है एक्स सीईओ है वो नीति आयोग के, करेक्ट। वो होंगे हमारे ऑफिशियल शेरपा ऑफ G20 जो शेरपा मीटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। अब अमिताभ कांत और नीति आयोग की बात हुई है तो मैं साइड में आपको कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी करंट सीईओ कौन है नीति आयोग के? वो है परमेश्वरम अय्यर, करेक्ट। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? तो प्राइम मिनिस्टर। और वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं इस साल? वो हैं सुमन के बेरी, ठीक है। ये साइड लाइन से मैंने आपको बता दिया, वो आप याद रखिएगा। नाउ जो 2022 की इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 की मीटिंग जो कंक्लूड हुई है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल करके आए हैं। क्या क्या आउटकम निकल करके आए हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पीएम मोदी ने कहा है एक स्टेटमेंट, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर। बेसिकली इन्होंने रसिया की तरफ इशारा करते हुए यह मैसेज दिया है। तो आपको ये मैसेज याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल प्रधानमंत्री ने G20 के मीटिंग में कौन सा मैसेज दिया, या फिर ये मैसेज लिख करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी इस पर्टिकुलर मीटिंग में वहाँ के लीडर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गिफ्ट लेकर के गए हैं, और वो गिफ्ट जनरली कहाँ से लिए गए हैं? दैट इज़ हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन दो स्टेट्स से, कि कुछ फेमस चीज़ों को लेकर के गए हैं वहाँ के वर्ल्ड लीडर को देने के लिए। ये दोनों स्टेट क्यों चुना गया है? क्योंकि दोनों स्टेट में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो जो बाइडन US के प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने गिफ्ट लेके गए हैं वो है मिनिएचर पेंटिंग ऑफ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। UK के प्रेसिडेंट, सॉरी नॉट प्राइम प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के लिए क्या लेकर के गए हैं? माता नी पचेदी। ये बेसिकली है क्या? ये एक टाइप ऑफ शॉल है जो कहाँ की है? गुजरात की, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत गुजरात से जो दिया गया है। इटली की जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है दैट इज जॉर्जिया मेलोनी, इनके लिए लेके गए हैं वो पाटन पटोला। बेसिकली ये एक चुनरी की तरह होती है, दुपट्टे की तरह होती है पाटन से, और इसमें जो प्रिंट किया गया है वो है रानी की वाव। आपको पता है रानी की वाव को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, 11th सेंचुरी में बनाई गई गया था। ये एक स्टेपवेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो उस पर यह रानी की वाव प्रिंटेड है पाटन पटोला, और ये पाटन पटोला कहाँ है? गुजरात। अगेन पाटन एक जगह है, वहाँ का ये फेमस आप कह सकते हैं टेक्सटाइल वर्क होता है, करेक्ट। और ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी एल्बनीज के लिए लेके गए हैं पिथोरा पेंटिंग, ये भी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। और जो इम्पोर्टेंट एक और बच जाता है वो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के लिए लेकर के गए हैं जोको विडोडो, दैट इज इंडोनेशिया जो होस्ट कर रहे हैं इस बार, उनके लिए लेकर के गए हैं कन्हेरी पेंटिंग एंड एक सिल्वर बोल गुजरात से है, और कन्हेरी पेंटिंग हिमाचल प्रदेश है। तो ये 5 गिफ्ट जो है आपको नाम से याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में
कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सारे चीज़ों के बारे में भी आपको जानना है कि कन्हेरी पेंटिंग क्या है, पिथौरा पेंटिंग क्या है, पाटन पटोला क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि G20 में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इंडिया की जब प्रेसिडेंसी G20 की लेंगे तो कम से कम 200 मीटिंग्स इंडिया के अंदर कंक्लूड करेंगे एक साल के भीतर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी जैसे कि कल्चर ट्रैक, G20 की कल्चर ट्रैक। अब ये मीटिंग, कहा गया है कि 5 मीटिंग होगी कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के 4 आइकॉनिक जगहों पे, जहाँ पे 5 मीटिंग कंक्लूड करी जाएगी इंडिया के 4 जगहों पे। वो 4 प्लेसेस कौन होंगे, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज हम्पी, दैट इज इन कर्नाटका। दूसरा ताजमहल, आगरा। थर्ड वन इज भुवनेश्वर, ओडिशा। यहाँ पे क्या है, सन टेम्पल कोणार्क। एंड द फोर्थ वन इज खुजराहो, यह है MP। खुजराहो में क्या है, जैन एंड हिंदू टेम्पल, करेक्ट। तो ये 4 प्लेसेस पे कल्चर ट्रैक होगी G20 के कंक्लूड करी जाएगी। और क्या इंपॉर्टेंट है, C20 दैट इज सिविल 20, चेयर ऑफ सिविल 20 अपॉइंट किया गया है किसको, स्पिरिचुअल लीडर अमृता नंदन मई देवी, करेक्ट, जिसे अम्मा भी बुलाया जाता है। इन्हें ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है और इन्हें विश्व रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है, ऑफ हिंदू पार्लियामेंट, जिसे कहा जाता है जेम ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखने, और भी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी लाइक रिलीजियस 20, बिजनेस 20, फाइनेंस 20, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफ़ी हद तक वुमेन 20, यूथ 20, ये सारी मीटिंग्स कंक्लूड करी जाएगी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। वो नेक्स्ट ईयर के करंट अफेयर में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, करेक्ट। एक और यहाँ पे बात मैं बता देता हूँ, इस साल से G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो 2 टाइम पे हुई थी, एक तो फरवरी में और एक जून में। बट आपको एक थीम बस याद रखना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग कंक्लूड करी गई थी बाली में, बेसिकली इंडोनेशिया में हुई थी मीटिंग, उसका था कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। जो जून में मीटिंग हुई थी उसका ये एक थीम है, करेक्ट। और एक चीज निकल करके आई है, इंडोनेशिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च की है, दैट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, JETP। इसमें वो क्लाइमेट से लड़ने के लिए और ग्रीनरीज को प्रमोट करने के लिए, एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए फंड इकट्ठा करेगी अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन। और सेम टाइप का जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है वो साउथ अफ्रीका ने भी किया था लास्ट ईयर, करते हैं। और एक चीज बन सकती है, वो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। ये भी G20 के लिए ही पब्लिश करी जाती है। कौन पब्लिश करती है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एक NGO है। और उन्होंने ये बताया है इस बार कि $64 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट बढ़ गया है, सपोर्ट टू फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि G20 नेशंस अप्रॉक्सीमेटली एक साल में $64 बिलियन जो अमाउंट है वो फॉसिल फ्यूल में खर्च कर रहे हैं एज ए सब्सिडी। इसका मतलब क्या है कि फॉसिल फ्यूल को प्रमोट किया जा रहा है, और कारण भी है उसके पीछे, क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण पूरे देश में एनर्जी और फॉसिल फ्यूल की कमी हो गई है। आप भी देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को प्राइस को थोड़ा कम रखने के लिए, इन्फ्लेशन से बचाने के लिए ये सब्सिडी देनी पड़ रही है। स्पेशली चाइना, अमेरिका, यूरोप, इंडिया सब सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो G20, इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने G20 के लिए अपनी थीम भी लॉन्च की है, जब इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा उस समय। और थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, और थीम दिया गया है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर।
लोगो भी डिज़ाइन करी गई है जिसमें कमल का फूल है और उस कमल के फूल में 7 पेटल्स हैं और उसके ऊपर अर्थ है, करेक्ट? तो वो भी आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम जो है वो कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से, करेक्ट? तो ये थीम है G20 के इस साल का। G20 से जितने भी चीज़ें हो सकती थी फ्रॉम A to Z मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो, मेंस का हो या PT का हो, हर एक जगह पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर आपको मिल गई है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।